आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न हमें दिया गया है, र व्यंजन कहलाता है। जो हमें र व्यंजन दिया है ये क्या कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है उत्तिष्ठ, बी नंबर पे पार्श्रिव, सी नंबर पे उषम, डी नंबर पे लुठित। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि हमारा र व्यंजन क्या कहलाता है। तो व्यंजन शब्द की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, अर्थात बाहर आती है, उसी प्रकार हम उसे व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 33 वर्ण व्यंजन है। तो हम व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, र व्यंजन हमारा लुठित व्यंजन है। डी नंबर ऑप्शन हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। ए नंबर हमारा गलत है, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है। हमें व्यंजन दिया गया है तो हम व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले तो व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु श्वास अलग 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 स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, अर्थात बाहर आती है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, हमने लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु श्वास अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती हुई निकलती है, अर्थात बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। दिए गए र व्यंजन का जो हमारा कहलाता है वो लुठित व्यंजन कहलाता है, इसीलिए डी नंबर है हमारा लुठित व्यंजन। ये हमारे दिए गए प्रश्न का राइट आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।